कैसे आ गया? बेटा सोई नहीं अभी तक? आ जा बैठ मेरे पास। सुन एक राज की बात बताती हूँ तुझे। मैं हर रोज सोने से पहले तुम लोगों का ये वीडियो एक बार जरूर चलाती हूँ। इसमें तेरे ताऊ तेरा हाथ पकड़कर तुझे पटाखे चलाना सिखा रहे हैं। तुम बचपन में बहुत शरारती थी और तुम्हारे पापा उतने ही गुस्से। अब वो इतना गुस्सा नहीं करते। अपनी बेटी के सामने कोई बाप इतना गुस्सा कर सकता है क्या? जब तुम पैदा हुई घर खुशियों से भर गया था। घर में मानो खुशियों की बारिश हो रही थी। फिर कुछ दिनों बाद एक मनहूस घटना घटी। गांव वाले कहते हैं तेरे ताऊ को किसी चुड़ैल ने मार डाला। दादी ये सब वहम है। मैंने भी यही कहा था पर तेरे पापा ने मेरी बात ही नहीं सुनी। उसे लगने लगा इस घर में आत्मा है। यहाँ से एक बार जो गया फिर कभी लौट कर नहीं आया। बीती बातें भुला दो दादी, उनको यहाँ लाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रॉमिस अब खुश हो जाओ। चलो चलते। अरे सीसीटीवी लगा है? इम्पोर्टेड है। पर आप तो नहीं देख सकती दादी। ये हमारी तीनों शेरनियों के लिए है। अब बिल्लियाँ आपकी बॉडीगार्ड हैं? दादी आप जीनियस हैं। ये बिल्लियाँ ऐसे कभी नहीं रोती। जरा देख तो क्या हुआ है। क्या हुआ बेटा? बिल्लियों से डर गई? अरे पाली हुई है वो अरण्या। अरे कुछ नहीं करेगी वो, डर मत। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ तुझे अरण्या? अरण्या कहाँ चली गई? तू कुछ बोलती क्यों नहीं बेटा? कुछ नहीं दादी। तू तो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। सर सर मुझे योगेश जी से मिलना है। कौन योगेश? ऐसा ही योगेश। आज वो ड्यूटी पर नहीं आए हैं। क्यों पांडे, योगेश सर ड्यूटी पर आए हैं क्या? नहीं आले साहब। ना भैया ना आए। एक काम करियो कल आ जाइयो। आता बगा, मैं जो तुमको बोलता है ना वो बराबर समझ के लेने का। मैं दोबारा बोलेगा नहीं तुमको, समझ गए ना? सर योगेश सर की टेरेस से गिरने से मौत हो गई सर। अरे क्या बात कर रहा है, ऐसे कैसे हो गया? अरे कल शाम को ही तो अपने साथ में चाय पी थी। ठीक है कंफर्म कर योगेश सर ही है ना? जरा रिवाइंड करना अरण्य। वो देखो तुम्हारे पीछे तो कोई भूत है। अरे बाप रे ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब गांव वाले सच कहते थे। ए बुढ़िया तू मेरा हिसाब कर दे, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। कुछ भी करूंगा लेकिन मैं कुवारा नहीं मरूंगा। मुंह नोच लूंगी तेरा। अरण्य समझाओ, मेरा मुंह नोचने से पहले वो भूत तुम्हारा मुंह नोच लेगा। तू भी डर गया ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था पर वो मेरा वहम था, वो भूत नहीं मेरी परछाई थी। इससे एक आइडिया आया है, झूठ मूठ के भूत की वीडियोस बना के लोगों को डराना शुरू कर दें तो हमें बहुत सारे व्यूज मिल सकते हैं। मैं समझा नहीं। हम हॉरर स्टोरीज शूट करके उसे यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। फोटो हमेशा थूकती रहती है दादी। तुम लोग हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? दादी आजकल इंटरनेट का जमाना है, ऑडियंस में ऊट पटांग वीडियोस की ज्यादा डिमांड है। जैसे बिना एबीसी जाने एलियंस और डायनासोर्स की बात करो, ना प्रूव होने वाली ऐसी उल्टी सीधी चीजें दिखाओ। आजकल लोग टाइम पास के लिए कुछ भी देखते रहते हैं। कुछ भी कहाँ से लाएंगे? ए, अरे शूट करेंगे ना, जरा एक बार अपना दिमाग तो लगाओ। इम्पॉसिबल। अगर हमने यूट्यूब पे हॉरर वीडियो बना के डाला और वो हिट हो गया तो हम रातों रात फेमस हो जाएंगे। और एक बार हम फेमस हो गए ना तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। ठीक है सबसे पहले सर मैं डालूंगा। तू पूरा ही घुस जाना ना। कढ़ाई का साइज मेरे जितना होगा ना?
तो बताओ कैसा लगा प्लान? प्लान तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। दादी को चुड़ैल मैं बनाऊंगा। क्यों दादी, तुम तैयार है ना? ओके, डंडन आ डंडन, वीडियो बनाओ, पैसा कमाओ। पैसों की लालची है तू बुढ़िया। भूतों का चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, दबाएं। सुपर। क्या वालो, भूतिया स्टोरी सुनाओ। खतरनाक थी, भयानक थी, बजरंग बलो और दुश्मन की नली। अगला, चल शुरू हो जा। वो चुड़ैल उल्टे पैरों से दीवार पे चढ़ रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। एक रात को मेरी बेटी बच्ची को सुला रही थी, तभी उसे नीचे एक हाथ दिखा। जब उसने नीचे झांक के देखा तो उसे एक गुड़िया नजर आई और वो चुड़ैल वही उसके बगल में ही थी। हाँ, मेरी मरी माँ की कसम सच बोल रहा हूँ, झूठ बोलूँ तो पाप लगे। कहते हैं वो आज भी भटक रही है। बाल बच गए। क्या भूतों पर यकीन रखती हैं? पता है ईश्वर ने सबसे स्पेशल चीज क्या दी है? हमारा ब्रेन। छुपे रहस्यों को ढूंढना और जो नहीं है उसे क्रिएट करना, ये जानवर नहीं कर सकते। कई बार हमारी जिज्ञासा अभिशाप बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार हमारे दिमाग ने किसी आत्मा के बारे में सोचा तो दूसरे ही पल हमें लगता है कि वो आत्मा सामने खड़ी है। एक अजीब सिचुएशन है। तो इसका मतलब घर पे जो मैंने परछाई देखी थी वो सिर्फ मेरा वहम है? ठीक, तुम्हारे फेक वीडियोस की तरह। दुनिया उन्हें सच मानती है। कीप गोइंग, बस कंफ्यूज मत हो जाना एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आईने में क्यों नहीं दिख रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये बबलू भूत तो नहीं? हाँ? 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 तबलाना जेविता फोड़ी ना चीज। तुम्हारी अकल शु घुटने में गई है क्या? ऊपर वाला जब सबको अकल बांट रहा था तो क्या तुम सब गधा चराने गए थे? भूत मेरी जान पहचान वाले हैं। उनके परिवार में से एक तो हमारे घर में भी है और वो कोई और नहीं, मेरी इकलौती बीवी है। आखिर सबको मार कौन रहा है? ये सुसाइड है या मर्डर? भाई साहब थोड़ी दो ना। कहां जाऊं, किससे पूछूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अब टीवी बिल्लियों के लिए नहीं, हमारे काम आएगा। मुझे दो लोगों के बारे में जानना है, वो यहाँ रोज आते हैं। अरे इधर तो हजार लोग आते हैं, इसका किसका चेहरा याद रखूंगा? उनका नाम हर्षल और संदीप है। अपन नाम से नहीं पहचानते, केवल पैसे से पहचानते हैं। इधर मिल गया, ऊपर मत मिलियो। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये सब क्या है? कहीं ये भूत का असर तो नहीं? क्या कर रहे हो? One more. आदि,
ये ले लेटेस्ट कान वाली मशीन। इससे क्या होगा? इससे तुझे मन की आवाज भी सुनाई देगी। फिलहाल मन कर रहा है कि पोता दादी को आशीर्वाद दे दे। क्या करता है? मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर भूत है। अगर आपको यकीन ही होता तो आप खुद ही देख लीजिए अपनी आँखों से। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं अकेला खाऊं केला। अगर यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए, इस भूतिया दीवार से अक्सर खून निकलता है। चलो चुड़ैल को मारते हैं, छोड़ेंगे नहीं। आज बच के नहीं जाएगी। डरना नहीं, मैं संभाल लूंगा। अरण्या बचाओ चुड़ैल। दादी बहुत बढ़िया।